हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ NATS के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये NATS क्या होता है, NATS पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, NATS पर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को कब रजिस्टर करना होता है, साथ ही साथ इस पर रजिस्ट्रेशन करने से क्या लाभ होते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या NATS पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है या क्या क्या कंडीशंस हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई डिप्लोमा करते हैं तो हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि आफ्टर डिप्लोमा हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छे पैकेज के जॉब मिल जाए जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए NATS के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अगर आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि NATS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, NATS का मतलब क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, NATS का मतलब है, N का मतलब है नेशनल, A का मतलब है डियर स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, और T का मतलब है डियर स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, T का मतलब है यहाँ पर ट्रेनिंग, और S का मतलब है डियर स्टूडेंट्स स्कीम। ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो जो NATS है डियर स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का। ये क्या है, ध्यान से समझिए। देखो, होता क्या है कि जब कोई भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं या बीटेक कर रहे हों या ITI कर रहे हों, तो आफ्टर डिप्लोमा उन्हें 6 महीने या 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी होती है, जिसके लिए उन्हें अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट मिलती है। अब अप्रेंटिसशिप क्या है, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बनाया गया है, जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि प्रत्येक डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप कहाँ कर सकते हैं, उन सभी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं जिनमें 30 इम्प्लाई से अधिक या 30 इम्प्लाई वर्क करते हैं, वो सही कंपनियां अप्रेंटिसशिप कराती हैं और वो अलग अलग माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट देती हैं, उसके माध्यम से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं और अपनी अप्रेंटिसशिप करते हैं। आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि अप्रेंटिसशिप जब आप लोग करते हैं तो उसके अंतर्गत आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और साथ ही साथ आपको उसमें सैलरी भी मिलती है, और बाद में जब आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होती है तो वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी जॉब पाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और कई जगहों पर आपको उसके लिए वरीयता मिलती है। तो NATS आप समझ गए होंगे क्या है, इसका फुल फॉर्म आप समझ गए। अभी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया कि इंडियन जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बना है, उसके लिए कहा गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद, जैसे बहुत सारी कंपनियों में जॉब जब निकलती है, वैकेंसीज जब निकलती हैं, तो वहाँ पर कह दिया जाता है साफ साफ कि आपकी अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी से होनी चाहिए। कभी कभी वो लोग किसी गवर्नमेंट कंपनी से अप्रेंटिसशिप भी डायरेक्ट मांग लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य होता है। तो ये NATS क्या है, NATS जो है अप्रेंटिसशिप में आपकी हेल्प करने वाली ही एक, आप कह सकते हैं, एक सिस्टम बनाया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और इसमें आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी में पता चला कि इसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, वहाँ आप अप्रेंटिसशिप की अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप वहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे, इन दैट केस वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप NATS पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वो आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करवाएंगे अपने यहाँ। इसलिए अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो NATS पर आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को NATS पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो उनको अप्रेंटिसशिप करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में सही से नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च कर लीजिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उससे आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे अप्रेंटिसशिप क्या होता है, क्योंकि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं अभी, हो सकता है उनको जानकारी
ना हो। तो कुल मिलाकर अभी इतना जान लीजिए कि अप्रेंटिसशिप क्या है, एक प्रैक्टिकल स्टडी है जो कंपनी में जाकर कि आप सीखते हैं, उसके अंतर्गत आपको सैलरी भी दी जाती है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए NATS पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आपने NATS पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस सिचुएशन में आपको अप्रेंटिसशिप आप कोई भी कंपनी नहीं कराएगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स NATS पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए होते हैं, कंपनी में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी होती है, वहाँ जाते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप NATS पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो कहते हैं नहीं, तो कहते हैं आप रजिस्टर्ड करिए, तो कभी कभी उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को पहले से ही NATS पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बात ये उठती है कि NATS पर हम रजिस्टर्ड कब कर सकते हैं और NATS पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि NATS पर रजिस्ट्रेशन हम कब कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट या डिग्री इंजीनियरिंग वाले जो BTEC वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप मतलब NATS पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब आप फाइनल कर चुके हों। फाइनल केवल इतना ही नहीं कि आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया हो, नहीं, आपका रिजल्ट भी आ चुका हो, उस सिचुएशन में आप NATS पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को हम बताएंगे, आगे चल के दिखाएंगे, अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि NATS पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक वीडियो बना के बताएं, तो अगर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि NATS पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आप आराम से 2-4 मिनट में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो जब वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस सिचुएशन में आप सभी लोगों से सारी डिटेल मांगी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि आप किस ईयर में पास आउट है और साथ ही साथ किस मंथ के पास आउट है, उसमें वहां पर फिल करना होता है। तो इन दैट केस जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग NATS पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, ITI स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक और BTEC स्टूडेंट्स, सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब अप्लाई कर सकते हैं, कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा तब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपकी एक लॉगिन और ID बन जाती है, उसके माध्यम से आप इस वेबसाइट पर बार बार जा करके वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स वहाँ पर आप सभी लोगों को मिलते हैं, वो धीरे धीरे करके मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। अब बात होती है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कैफे पे जाना होगा या नहीं, आपकी नॉर्मल मोबाइल से सारा का सारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस आप सभी लोगों को कुछ PDFs हैं जिनको स्कैन करा करके अपनी फ़ोन में रखना होगा, या अगर आप समझें तो किसी कैफे पे जा करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा किस तरीके से करा जाता है। अगर आप सभी लोग डिमांड करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा कि NATS पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है स्टूडेंट्स की, पहले जो NATS वाली वेबसाइट थी उस पर थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिसके कारण एक नया वर्जन बनाया गया है NATS 2.0 या 2.0, जैसा आप पढ़ना चाहें, एक नया वर्जन बनाया हुआ है। जैसे ही आप NATS सर्च करेंगे, खुलने के बाद ये नया आपको मिल जाएगा, इसी पर जाकर के आप सभी लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी डिटेल आप सभी लोगों से मांगी जाएगी, आपका नेम, फादर्स नेम, कहां से डिप्लोमा कर रहे हैं, किस संस्थान से कर रहे हैं, किस सिटी से कर रहे हैं, कब पास आउट हैं, वो सारी बातें इसमें जब इंटर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो NATS पर रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़्यादा अनिवार्य है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप NATS पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। सो NATS पर रजिस्ट्रेशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोगों को NATS का एक शार्ट मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी कभी डिटेल में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। NATS से लेकर के अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का और कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर वहीं दूंगा या किसी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको NATS के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।